बिहार भाजपा के फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह अब नवादा से एक बार फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, मगर पार्टी की उनको लेकर कुछ और ही तैयारियां हैं। इन तैयारियों में सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी उन्हें नवादा से चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। सीटों का फॉर्मूला जदयू के साथ तय हो गया है, लोजपा भी समीकरण में शामिल है। एनडीए इस बार अपने घटक दलों को किसी प्रकार से कष्ट में नहीं डालना चाहती है। जो भी समझौता हुआ है उस समझौते पर मुहर लगाते हुए शीर्ष नेतृत्व ने भी नवादा की सीट लोजपा की झोली में डाल दिया है। अब यहीं आकर मामला फंस जाता है। गिरिराज सिंह नवादा से एक बार फिर से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। कुछ दिनों पहले, लगभग 9 महीने पहले, गिरिराज सिंह के गुमशुदा होने के नवादा में पोस्टर्स लगे थे। उसके बाद से नवादा में गिरिराज सिंह लगातार एक्टिव हो गए थे। उनके एक्टिव होने के बाद लोगों ने कई तरह का कयास लगाया। कुछ लोगों का कहना था कि गिरिराज सिंह नवादा से एक बार फिर से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, मगर सीटों के बंटवारे के बाद एनडीए में ये सीट लोजपा में चली गई है। मुंगेर ऑलरेडी जदयू के पास है। मुंगेर नवादा के जाने के बाद गिरिराज सिंह के पास बस बेगूसराय बचता है। बेगूसराय के बारे में कहा जाता है कि गिरिराज सिंह बेगूसराय से पहले ही चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर पार्टी ने उन्हें नवादा भेज दिया। अब नवादा में उन्होंने परिस्थितियां अपने अनुकूल कर ली हैं। इसके बावजूद अगर पार्टी उनका टिकट वहां से काटती है तो गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं अब चुनावी राजनीति से संन्यास ले लूँगा। चुनावी राजनीति के बाद उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं राजनीति से ही संन्यास ले लूँगा अगर मेरी टिकट नवादा से कटती है। आपको बताते चलें कि एनडीए में जिस तरह का प्रमुख रोल रहा है गिरिराज सिंह का, पिछले कुछ दिनों से लगातार वो नाराज चल रहे हैं अपने पार्टी से, जिसकी वजह से पार्टी को आने वाले चुनाव में पोलराइजेशन फैक्टर पर घाटा हो सकता है। गिरिराज सिंह फायर ब्रांड लीडर हैं, स्टार प्रचारक रहे हैं पार्टी के, और जिस तरह से हिंदुत्व की छवि लेकर आगे बढ़ते हैं उस हिसाब से उनका बेगूसराय में कन्हैया कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ना ऑलमोस्ट तय था, मगर ये हार का डर बोलिए या फिर बेगूसराय की परिस्थितियों से उनका रूबरू ना होना, वो वहाँ से अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। यहाँ तक कि इसके लिए उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू कर दी है। पार्टी को साफ तौर पे ये चेताते हुए कहा है कि अगर मेरे संसदीय क्षेत्र से मेरी टिकट कट जाती है तो मैं चुनावी राजनीति से संन्यास ले लूँगा। अब एक बात तो तय है कि गिरिराज सिंह अगर बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो बेगूसराय में कन्हैया कुमार के खिलाफ पार्टी को किसी और को उतारना होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर नवादा से वो टिकट उनको पार्टी नहीं देती है तो ये भी गिरिराज सिंह के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। वहीं अगर बात करें तो आने वाले चुनावों में गिरिराज सिंह जरूरी नहीं है कि पार्टी का प्रचार करें। इन सभी खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बने रहिए न्यूज़ बिहार पर, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।